हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टाइप सिंप्लीफिकेशन की। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे शॉर्टकट के साथ, स्पीड के साथ कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये भी सीखेंगे। तो चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। और इसे हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, बिल्कुल अंदर वाली टर्म से। और देखिए किस तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये बड़े वाला 5 हमें एज इट इज़ लिखना है, देन 11, 19 प्लस, ये देखिए यहाँ पर ये 29 तो एज इट इज़ आएगा, और रूट 49 क्या होगा, 7। हमें इसकी वैल्यू फिल कर देनी है। और रूट 29 प्लस 7 क्या होता है, चलिए ये नोट कर लेते हैं यहाँ पर कि इनकी एडिशन होती है 36। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए 5 एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ 11 एज इट इज, प्लस देन रूट 19 तो है ही, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। अब 19 प्लस 6 कितना है, 25। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 25 कितना होता है जी, 5 होता है। 11 प्लस 5 कितना है, 16। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 5 प्लस रूट 16 कितना होगा, 4, और ये बना रूट 9, और आंसर क्या आएगा, 3। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके पास चार ऑप्शंस होंगी, तो आपको उन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन हमने इनको स्टेप बाय स्टेप इसलिए किया ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि कंसेप्ट हर चीज़ का पता होना ज़रूरी है। बड़े आराम से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसकी, ध्यान से स्टेटमेंट देखिए। और अब हम कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं करेंगे, सिंगल स्टेप में इसका आंसर लिखेंगे, देखते जाइए ध्यान से। ये देखिए पहले स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, 57 लेते हैं, इसके बाद लेते हैं 38, 38 के बाद हम लेते हैं 108, ठीक है, और 108 के बाद एक स्क्वायर रूट और ले लेते हैं, 169। तो देखिए दिखने में कितनी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन लगती है, लेकिन अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए रूट 169 क्या होता है, 13। 108 और 13 को ऐड करेंगे तो 121 बनेगा। 121 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होता है, 11 होता है। 38 में अब 11 ऐड करना है हमें, 38 में 11 ऐड करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि इस स्क्वायर रूट में 49 बन गया। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, ये तो 7 होता है, यानी कि 57 में हमें 7 ऐड करना है। 57 में 7 ऐड करते हैं तो 64 बनेगा। 64 का अब ये स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा, राइट। 8 में 8 ऐड किया तो 16 बना, अंडर रूट ऑफ 16 क्या होगा, 4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 है। तो अब देखिए हमने कोई एक एक स्टेप नहीं लिखा, लेकिन ये स्टेप्स हमने पहले क्यों लिखे, ताकि पता लग जाए हमें कि करना क्या है। जब हमें एक बार स्टेप्स क्लियर है ना, तो फिर तो आप ओरली ये कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो इनकी प्रैक्टिस करिए। और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।